प्रिय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान वीरांगना ऊदा देवी पासी की शहादत के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऊदा देवी पासी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के सिपाहियों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। एक विद्रोह के समय हुई लखनऊ की घेराबंदी के दौरान लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों के शरण स्थल सिकंदरबाग पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा चढ़ाई की गई थी, और 16 नवंबर 1857 को सिकंदरबाग में शरण लिए हुए 2000 भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा संहार कर दिया गया था। इस लड़ाई में ऊदा देवी पासी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर खुद को एक पुरुष की भांति तैयार किया था। लड़ाई के दौरान वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे घने पेड़ पर चढ़ गई थीं। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदरबाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया था। ऊदा देवी के पति भी एक वीर साहसी और पराक्रमी भारतीय सिपाहियों में सैनिक थे। ऊदा देवी 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें जब वो पेड़ से नीचे उतर रही थी तब गोली मार दी थी, और उनके गिरते ही उनका पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी 1857 के गदर की नायिका वीरांगना ऊदा देवी पासी की कहानी। जानकारी कैसी लगी आपको, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।